पंच परमेष्ठी भगवान की शासनपति भगवान महावीर स्वामी की परम गुरुतपस्वी स्वामी श्री निहाल जंजी महाराज परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब जंजी महाराज संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंदी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज जाप चल रहा है। इस भव्य आयोजन में, इस श्रेष्ठ आयोजन में
लंबे समय से आप लोग बड़ी श्रद्धा और सद्भावना के साथ भाग ले रहे हैं और जैन नगर के भागशाली पुण्यशाली तो भाग ले ही रहे हैं, दिल्ली से भी हमारे श्रावक श्राविका हैं इस अनुष्ठान के अंदर भाग ले रहे हैं। जैसे आज का कार्यक्रम श्री स्वतंत्र जैन परिवार की तरफ से यहाँ पर रखा है और दिल्ली के हमारे गणमान्य सदस्य वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, तो आप सबको जो इस महान अनुष्ठान के अंदर आप लोग शरीक हो रहे हैं सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं दे रहे हैं। इन्हीं दिनों आराध्य गुरुदेव श्रवण संघ के सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब जो हमारे श्रवण संघ के गरिमामय व्यक्तित्व हैं और आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने सम्मेलन की भरी सभा के अंदर कहा था कि सुमति प्रकाश जी महाराज साहब ने जो एक से एक बढ़कर के संतों को तैयार करके उन्होंने श्रवण संघ के गौरव को चार चांद लगाया है और एक से एक बढ़कर के धर्म प्रभावना करने वाले साधु साध्वियाँ उन्होंने तैयार की है, इसलिए उनको मैं श्रवण संघ के भीष्म पितामह के पद के ऊपर स्थापित करता हूँ, ऐसा उन्होंने नासिक के सम्मेलन के अंदर घोषणा की थी। तो इस प्रकार आराध्य गुरुदेव का जीवन, उनका अनंत अनंत उपकार सारे देश के लोग महसूस करते हैं और अभी चार महीने के अंदर और यहाँ जब तक गुरुदेव हैं दुनिया देश के कोने कोने से कितने लोग भावना भक्ति का थाल सजा करके आते हैं और कितनी श्रद्धा भक्ति से आते हैं, कितने प्रेम से आते हैं, ये लोग बराबर आप लोग अनुभव कर रहे हैं। और आराध्य गुरुदेव ने हमेशा जाप का और आंगिल की प्रेरणा दी, अपना जीवन भी संपूर्ण रूप से आंगिल के अंदर लगाया और अपना जीवन पूरी तरह से नमकार मंत्र के जाप के अंदर लगाया। आंगिल की तपस्या और जाप की जितनी प्रभावना गुरुदेव ने की है उनके मंगल पाठ को सुनने के लिए ये हजारों लाखों की लोग एकत्रित होते थे और बड़े से बड़े स्टेडियम के अंदर भी बैठने की जगह नहीं रहती थी, ये उनका आंगिल तप और जाप का ही प्रभाव है। और वो कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी तकलीफ परेशानी हो तो हम आंगिल तपस्या के अंदर जाप करें तो सब प्रकार की सुख शांति हमारे को मिल सकती है। तो ऐसा ही अनुष्ठान यहाँ पर जाप का भी लगातार चल रहा है, 20 तारीख को 25 लाख जाप किया, कल विशेष रूप से आंगिल तपस्या की आराधना हुई, आज उसका पारना महोत्सव है। तो इस प्रकार तीनों दिन आराध्य गुरुदेव को समर्पित हैं और आज का जाप की उनके चरणों के अंदर समर्पित हैं। और ये जाप पाठ अनुष्ठान न हो तो भी घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और जब कभी भी मौका लगे हफ्ते में एक बार आंगिल जरूर कर लेना चाहिए। प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब फरमाते थे कि अगर हफ्ते में 15 दिन में एकाध आंगिल होता रहे और नमकार मंत्र का जाप होता रहे तो बहुत सी परेशानियों से समाज बच करके रह सकता है। और ऐसे प्रयोग उन्होंने अपने जीवन के अंदर बड़े से बड़े ऐसे प्रयोग करवाए। और आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि वो समय था जो हमारे देश में कहीं ना कहीं हफ्ता 10 दिन महीने 2 महीने के अंदर उग्रवादियों का यहाँ पर आक्रमण होता था और निर्दोष लोग मारे जाते थे। ऐसा कोई समय नहीं जाता था जब उग्रवादियों के आक्रमण का कोई सूचना हमारे देश के अंदर ना आती हो। हमारा एक ही देश था जो उग्रवाद के उस उग्र परिणामों से बड़ा भारी दहशत में और परेशानी में रहता था। आजकल आज के जमाने में आज आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी उग्रवादियों का जो है वो चीज़ नहीं है जो सारी दुनिया के अंदर उग्रवादियों के अटैक क्या कर रहे हो रही है। इजराइल जैसा राज्य, उसकी ताकत, अमेरिका जैसा राज्य और दुनिया भर के और देश, वहाँ पर उग्रवादियों के इतने आक्रमण हुए और आज भी पूरी दुनिया के अंदर इस उग्रवाद का बड़ा भारी प्रकोप चल रहा है।
इज़राइल का युद्ध किसी दूसरी सेना से नहीं हो रहा, किसी देश से नहीं हो रहा, किसी सरकार से नहीं हो रहा, उग्रवादी उन जो है लड़ाकों से हो रहा है। तो एक उग्रवाद, एक उग्रवादी तत्व इतने मजबूत हो जाते हैं इज़राइल जैसे देश को, वो जो है इस प्रकार से उसके ऊपर जो है इतना बड़ा जो है एक विनाश का काम कर सकते हैं, दर्दनाक काम कर सकते हैं। तो इनका खतरा कितना है। हमारा देश हमेशा कहता था ये उग्रवाद, आज हमारे देश में सारी दुनिया चुप है, लेकिन ये सारी दुनिया में फैलेगा तब पता लगेगा उग्रवाद के अटैक क्या होते हैं। आज सारी दुनिया जो है उग्रवाद के चपेट के अंदर है, और एक तब उग्रवादी है, एक तब सरकार है, देश है वो लड़ रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर दो धड़े बच गए हैं। आधी दुनिया उस उग्रवादियों के सपोर्ट के अंदर खड़ी है, हमास के सपोर्ट के अंदर खड़ी है। और बंधु ऐसे समय में हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी कोई प्रदर्शन नहीं है, कहीं पर भी कोई दंगा नहीं है। ये जो है देश के अंदर मजबूत सरकार होने का, ये जो दृढ़ और मजबूत जो है इच्छा शक्ति वाला सरकार होने का ये परिणाम है। सारी दुनिया के अंदर उग्रवाद का कहर चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान इस समय पूरी तरह से शांत है। तो बंधु ये जो मजबूत जो सरकारें आती हैं, दृढ़ संकल्पी सरकारें आती हैं, जनता जब 100% अगर ये वोटिंग करे, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करे, तो हमेशा अच्छे लोग देश की सत्ता के अंदर आते हैं। लेकिन लोग अपने वोटिंग करने में भी संकोच करते हैं, उनका क्या करना है, हमने जा करके क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। अगर ये 100% वोटिंग होती है तो बंधु देश में कोई भी बुरा आदमी उस नेतृत्व तक नहीं पहुंच सकता। तो हमारे देश में एक जो परिवर्तन आया, आज दृढ़ सत्ता वाली सरकार है, और हमारे यूपी के अंदर जहां पर दंगे हमेशा होते रहते थे, आज योगी का राज है, एक सन्यासी का राज है। अब आज दुनिया जानती है कि ये कहते हैं भाई ये हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष है, साधुओं का देश है, सन्यासियों का देश है। आज सारी दुनिया ने देखा कि कोई भी राजनेता, राजनीतिक पार्टी इसको कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन एक सन्यासी ने आकर के पूरे उत्तर प्रदेश को बदल करके रख दिया। ये बतलाता है ऋषियों के अंदर कितनी ताकत होती है, इन साधुओं के अंदर कितनी ताकत होती है, इन सन्यासियों के अंदर कितनी ताकत होती है, वो दया और करुणा से जीवन जीने वाले उन लोगों के अंदर भी कितनी ताकत होती है। बड़े बड़े राजनेता जिस प्रदेश के अंदर फेल हो गए, जिनकी कुछ नहीं चली, एक योगी ने, एक सन्यासी ने जो दो कपड़े पहन करके चलता है, उसने पूरे यूपी के अंदर ऐसा शांत वातावरण बना दिया, और यूपी शांत हुआ तो पूरे देश के अंदर शांति का करके छा गई। वरना बंधु जिस समय 1992 में एक ढांचा ढह गया था, एक ढांचा ढह गया था, वो ढांचा ढहने के उसमें सारे देश के अंदर दंगे हो गए थे, और लाखों हजारों लोग मर गए थे, बर्बादी हो गई थी, कितना विनाश हुआ था। लेकिन अगर सरकार मजबूत हो, नेतृत्व मजबूत हो, तो कितनी शांति रहती है। अमेरिका तक में जो है विरोध चल रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं, दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अभी भारतवर्ष में पूरी शांति है। इसलिए नागरिकों को भी जागरूक रहने की जरूरत होती है, भजन पाठ करते रहने की जरूरत होती है, और जब वोटिंग का समय आए तो A to Z हर व्यक्ति को वोटिंग करने की जरूरत होती है, जिससे अच्छे से अच्छे लोग सत्ता के अंदर आए और हमारी सुरक्षा क्या कर जाए हो जाए। तो बंधु ये देश के अंदर ये इस समय शांति है, इस समय सारी दुनिया में अशांति है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर शांति है। ये प्रभु की कृपा है, अच्छे सरकार का प्रभाव है, और इन जो है सत्ताओं का जो है दृढ़ सत्ताओं का प्रभाव है, हम लोग इस समय सुरक्षित हैं। वरना बंधुओं दुनिया भर के अंदर दंगे हो रहे हो और हिंदुस्तान के अंदर सभी शांति रहे, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सबसे पहले दंगे हिंदुस्तान के अंदर होते थे, भारतवर्ष के अंदर होते थे। तो बंधु इस समय शांति है, तो हम जाप में, पाठ में, धर्म ज्ञान में, दया में, परोपकार में, सेवा में, सद्भावना में, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना को जागृत करने में हमारे को लगे रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो महापुरुषों को याद करने का, उनका जन्मदिन मनाने का, उनकी पुण्यतिथि मनाने का, उनके प्रति श्रद्धा
अर्पण करने का, महापुरुषों के चरित्र को सुनने का मतलब ये है, उस निमित्त से कुछ न कुछ धर्म ध्यान, कुछ न कुछ पुण्य का काम हमारे जीवन के अंदर हो, और उसी कार्य को बढ़ाते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। और आज भक्तांबर स्तोत्र का 40वां श्लोक ये जो है इसका दोनों, तो आज जो है दो श्लोकों का जो है ये हम संपुट करवा रहे हैं, 40वां श्लोक और 41वां श्लोक। और 40वां श्लोक जो है ये जो है अग्नि शामक श्लोक है। अगर इसका यंत्र बना करके दुकानों में, मकानों के अंदर रखते हैं, शोरूम के अंदर रखते हैं, इसके जो है ये इसको लिख करके भी वहां पर रख देते हैं, इसका जाप करते हैं, तो बहुत बार अग्नि का प्रकोप होने से बड़ा भारी मचाव हो जाता है। क्योंकि जब ऐसा हो जाता है तब तो बैठ करके कोई जाप नहीं कर सकता, लेकिन पहले ही वहां पर दो बार पढ़ ले, तीन बार पढ़ ले, ये 40वां श्लोक चार पांच बार पढ़ ले या लिख करके वहां पर लगा दे, तो भी बहुत बार अग्नि का जो प्रकोप होता है उस अग्नि के प्रकोप से हमारा बचाव हो सकता है। आजकल दुकानों में, मकानों में, घरों में इसका बड़ा भारी खतरा रहता है, कहाँ आगजनी हो जाए कुछ पता नहीं लगता। तो ये 40वां श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इसका जाप करते हैं, पाठ करते हैं, लिख करके लगाते हैं, तो भी उसकी शांति हो जाती है, ऐसी घटना नहीं घटती है। और जो 41वां श्लोक जहर के प्रभाव को जो है दूर करने वाला है, इम्यूनिटी को मजबूत करने वाला है, कोई भी जहर अंदर जाए तो उसको रोकने की ताकत इसके अंदर है। तो ये 40 और 41 में दो श्लोकों का आज जो है ये संपुट का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग बड़ी श्रद्धा से, सद्भावना से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और श्रद्धा सद्भावना के साथ इसके अंदर सम्मिलित हुई है। अपने पुण्यवाणी को दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ाइए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। अब हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आज के संपुट को संपन्न करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो मंगलम किठा अहिंसा संयमताओ देवावितम नमम संति जसा धम्मे सायामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध, बस कोई अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है, समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनिजी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, वक्तामर स्त्रोत्र की साधना हम सब लोग कर रहे हैं। आज 40 और 41 में पद की आराधना हम करेंगे, उससे पूर्व हम उसकी विधि संपन्न करें। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब वक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। ये अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो इसी भावना के साथ। छिपोम स्वाहा, छिपोम स्वाहा।
छिपोम स्वाहा छिपोम छिपोम स्वाहा छिपोम स्वाहा छिपोम स्वाहा छिपोम स्वाहा छिपोम स्वाहा श्री आदिनाथाय नमः 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 श्री आदिनाथाय श्री आदिनाथाय नमः श्री आदिनाथाय नमः श्री आदिनाथाय नमः नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्स नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्स भगवो नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्य ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं सर्वशान्ति ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा 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 भक्ताम्बरा प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमो सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले कल्पान्तकालपवनोधतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तिक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य सङ्ख्या त्वन्नाम नागदमनिहृदयं सपुंस य संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभि स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं कल्पान्तकालपवनोदतनन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य सङ्ख्या त्वन्नाम नागदमनिहृदयं सपुंस बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपाद सोतुं समुगतमतिर्विगत बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुं कल्पान्तकालपवनोधतमन्निकल्पं नावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमा तन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषां रक्तेक्षणं समदको क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य त्वन्नाम नागदमनिहृदयं सपुंस वल्गातुरङ्गगजगर्जित भक्तुं गुणान् गुणसमुन्द्र शशाङ्ककान्ता तस्ते शमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्तकालपवनोदत को वातरितुमलमभुनिदिम्बुजाभ्यां कल्पान्तकालपवनोधतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शम
रक्तेषणं समदको किल कंठनीलं क्रोधोन्दतं फणिदमुत्फणमापतन्तं आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयं सपुंसा सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनिस कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृता प्रेत्यात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनाथं कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं जलितमु विश्वं जिगेत्तुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयं सपुंसा अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहास तद्वक्तिरेव मुकरि कुरुते बलान्मां यत्कोकिला किल मधो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्त रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुन् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयं सपुंसा त्वत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यासु भिन्नमिव शर्वरमन्धकारं कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्दतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य शङ्कर तन्नामनागदमनि मतवेति नाथ तव सस्तवनं महेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिशति शतान्नलिनीदलेशो मुक्ता फलाद् कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिल क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्यात् त्वन्नामनागदमनि हृदयं सपुंसा आस्तं तवैस्तव नमस्तसमस्तदोषं तस्सं कथापि जगतन् दोरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी कल्पान्तकालपवनो दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयं सपुं नाद्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति कल्पान्तकालपवनो दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्दतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पृत्वा पयाशिखर धुति दुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तुयिक्षे कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलं समय रक्तेक्षण समदकोकिलकंठनील क्रोधोदतम फणिदमुत्मणमापतंतम आक्रामती क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनीहृदयंस पुंस एशांतरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्त्रिभुवनैकलला तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यं यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति कल्पान्तकाल दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्मणमापतन्तम् आक्रामती क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनीहृदयंस पुंस वक्त्वं कते सुरनरो निशेष निर्जित जगत्रितयोपमानं बिम्बं कलंकमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखम् तन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठ क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामती क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनीहृदयंस पुंस सम्पूर्णमण्डलशशङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथ कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव तन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत् आक्रामती क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनीहृदयंस पुंस चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदसङ्गनावे नेतं मनागपि मनो न विकार कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचि कल्पान्तकालपवनो दतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन् तन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत् आक्रामती क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनीहृदयंस पुंस निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृत्रं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपो परस्तमसि नाथ जगत्प्रकाश कल्पान्तकालपवनो धतवन् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामती क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनि नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा नाभोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदको
प्रोदोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगे नरिरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनिहृदयंस पुंस दयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनसन विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयः जगत पूर्वशशाङ्कबिम्बं कल्पान्तकालपवनोधतवह्निकल्पं धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत् आक्रामति क्रमयुगे नरिरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनिहृदयंस पुंस किं सर्वरिषु शशिना युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकिजलधरैर्जलभारनम्रै कल्पान्तकालपवनोधतवन् धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शम रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि ज्ञानयथं करविसातिविद नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि कल्पान्तकालपवनो धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदको क्रोधोन्दतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्यात् त्वन्नामनागदमनिहृदयंस पुंस मन्ये वरं हरिहराधय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदय त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि कल्पान्तकालपवनोधतवह्निकल्पं धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुख त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनिहृदयं त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालं कल्पान्तकालपवनोदत रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनिहृदयंस पुंस त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरोस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृतुं नान्ये शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्ता कल्पान्तकाल धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदको क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् त्वन्नामनागदमनिहृदयंस पुंस त्वामावयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं कल्पान्तकालपवनोधतवह्निकल्पं धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमा
समयस्तशेषं रक्तेषणं समदको किल कण्ठनीलम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संख्या स्वन्नाम नागदमने दयंजपुंज तं शंकरोऽसि भुवनात्रय शंकरत्वा धाता सिधीर शिव मार्ग विदे विदाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि कल्पांत काल पवनो धतवन्निकल्पं नावानलं जलितमुज्ज्वलम् विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्दं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलम् परमापतन्दम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने हृदयंस पुंसा तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय कल्पान्तकालपवनो धतवन्नि दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्वलिङ्गं जिष्णं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्दं त्वन्नाम कीर्तनजलं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्दम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने दयंस पुंसा को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर तञ्चितो निरवकाशतया मुनीस दोषैरुपात विविधा स्रजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि कल्पान्तकाल विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं धन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने हृदयंस पुंसा उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोका मा भातिरूपममलम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं ब्रवीरिव पयोधर पार्श्ववर्ति कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं धावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्वलिङ्गं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने हृदयंस पुंसा रक्तासने मयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो बिम्बं व्यदुलशदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मे रम्पान्तकालपवनो दत्त विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्दं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं फणिदमुत्फणम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने पुन्दावदात चलचामलचारुसोवं विव्राजते तव वपो उद्देश्य शङ्ख शुचि निर्झरवारिधार मुच्चैस्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभं कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वल विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्दं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिल क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने हृदयंस पुंसा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ता फला प्रकरजाल प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरत्वं कल्पान्तकाल दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं
विश्वं जिगेत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणितमुत् आक्रामति क्रमयुगे पन्नाम नागदमने दयंस पुंसारम्भीरतारवपो त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष साधर्म राज जय घोषण घोषक सन खेदम दुमिर्धनति ते कल्पांत काल पवनो धत वन्निकल्पम नावानलम जलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम विश्वं जिगेत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठ क्रोधोदतं फणितमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनी दयंस मंदार सुंदर नमीर सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर गंधोदबिंदु शुभमंद मरोत्प्रपात दिव्या दिवा पतति ते वच शांत तीर्वा कल्पांत काल पवनो धावानलं जलितमुज्ज्वलमुत्फुलिंगं विश्वं जिगेत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणितमुत् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनी दयंस पुंसा सुभ्रात् प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोक्यात्रयं दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ते प्रोद्वद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या ज्वया तपिनिशामपि कल्पांत काल पवनो धतवन्निकल्पं धावानलं जलितमुज्ज्वलमुत् विश्वं जिगेत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणितमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य शङ्खा त्वन्नाम नागदमनी दयंस पुंसा स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्ग साधर्मतथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्व भाषा स्वभाव परिणाम कल्पांत काल पवनो धतवन्निकल्पं धावानलं जलितमुज्ज्वल विश्वं जिगेत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणितमुत्फण आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या स्वन्नाम नागदमनि उन्हेन्द्र हे मनव पंकज पुंजकान्ति पल्युल्लसन्न कमयोग शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पदमानि तत्र विबुधा पान्तकाल पवनो धतवन् धावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगेत्सुमिव सन्मुखमा तन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणितमुत् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनी दयंस पुंसा इत्थं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तदा परस्य यादृक् प्रवादिन कृता प्रातन्धकार तादृक् कुतो गणगणस्य कल्पांत काल पवनो धतवन्निकल्पं दावा जिगेत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणितमुत्फणमा आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संज्ञास्तन्नाम नागदमने सोचन्मदा विलविलोलकपोलमूलामत्या भ्रमर ऐरावत ममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयम्
कल्पांध काल पवनो धतवन्निकल्पं नावानलं जलितमु रक्तेषणं समदको किल कंठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्पणमापतन्तं आक्रामति क्रमयुगेन निराश्य संज्ञा त्वन्नाम नागदमने हृदयं सपुंसा भिन्ने बकुम्भगल दुज्जल सोणि मुक्ता फला प्रकर भद्रक्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसितन्ते कल्पांतकाल पवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्वलिंगं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमा पन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्ते क्षणं समदको किल क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने हृदयं सपुंसा कल्पांतकाल पवनो धतवन्निकल्पं धावानलं ज्वलितमु विश्वं जिगीर्षुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने कल्पांतकाल पवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमु विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगे त्वन्नाम नागदमने हृदयं सपुंसा वल्गातुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतम् उद्युद्दिवाकरमयोख शिखाभविदं त्वत्कीर्तनातमयुवाशु विदामुपैति कल्पांतकाल पवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिंगं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमा त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिल क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने कुन्दाग्रभिन्न गजसोणितवारिवाहा वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वना सहिणो लभन्ते कल्पांतकाल पवनो धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिंगं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमा आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने हृदयं सपुंसा अम्भो निधौ सुवितभीषण नक्रचक्रं पाठीन पीठभयदोल्लण रंगतरंग शिखरस्थितयान पात्र त्रासं विहाय भवत स्मरणावज्रन्ति कल्पांतकाल दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिंगं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्ते क्षणं समदको क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना सोचां दशामुपगतां शुचिजीवितासा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिघ देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा कल्पांतकाल रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमा
आक्रामति क्रमयुगे न निरस्य संख्या स्वन्नाम नागदमने दयंस पुंस आपादकंठ सद्य स्वयं विगत बंद भया भवन्ति कल्पांत काल पवनो धतवन्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिंगं विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं समयस्त रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तं आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनी दयंस पुंसा मत्य दीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर तशासुना समुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तवमिमं मति कल्पांत काल पवनो धतवन्निकल्पं दावा विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जल समयस्तशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्दतं फणितमुत् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमने दयंस पुंसा स्तोत्रं सजन्त वजिनेन्द्रगुणैर् भक्त्वा मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो येयकण्ठ तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा कल्पांत काल पवनो धतवन्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिंगं विश्वं जिगित्सुमिव तन्नाम कीर्तन जलं समयस्तशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्दतं फणिदमुत् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्यास्त्वन्नाम नाग भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रमाणा मोद्योतकं दलितपापकमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं योगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकल दुदभूत बोधिपटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचि त्वहरेरुदारे स्तोष्य किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोष्य किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापचायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतांत्रिकम तंत्रमंत्रयुक्तार्थपदभावालंकारेण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यिकम भक्तमनार्थ मायस्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विदिन सद्भक्त सद्भाविन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भाविन समर्पय हे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्तमर स्त्रोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानधुम जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ सादर शीष झुकाते देवाधिदेव श्री सादर शीष झुकाते श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते श्री आदि जिनेश्वर दुख सागर में थी डोबर ही
भजन जीवन के दुख सागर में थी, नैया जब जन जीवन के तीयों से हरि सकल व्याधि दुखिया तन सवर सिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखी अमृत सागर जग उदारक को श्रद्धा सुमन चढ़ा ते हैं देवाधिदेव श्री सादर शीस झुकाते श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर भक्तामर स्तोत्र की साधना हम सब लोग कर रहे हैं। आज 40 और 41 में पद की आराधना हम लोग ने की और इस पद में आचार्य मानतुंग अपने आराध्य को अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हुए जिस तरह एक भव्य आत्मा के मुमुक्षु को भय मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त होने का मतलब उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं न हो ऐसी बात नहीं है। समस्याओं को होते हुए भी जो व्यक्ति निर्भय होता है और निर्भय होने की कला सिर्फ उसी को आती है जिसके जीवन में कोई गलतियां न हो, जो स्वच्छ होता है, जो निर्भय होता है, अहिंसक होता है, वो किसी से भयभीत नहीं होता। तो इसी की व्याख्या करते हुए इस 40वें पद में और 41 पद में इस तरह से मानतुंग आचार्य ने अपने आराध्य की स्तुति की। प्रचंड पवन तीन के उछले और भय प्रद ज्वाला भवक रही, मानो जग को हड़प जाएगी ऐसी अग्नि धद करही। जैसे चंदन का एक बिंदु मिटे मनो तेल का कांत, तेरा पवित्र नाम लेने से होती वह अग्नि भी शांत। लाल नेत्र में क्रोध भरार ऊंचा फन फुंकार, मदोल मत अति काला सर्प आपैरों के नीचे विचरे, तेरे नाम की नाग दमिनी जड़ी यह जिसके हृदय है, सर्प न बाधा पहुँचा सकता चाहे कितना ही निर्दय है। भगवान कहते हैं, ये भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं, ये प्रभु संसार को भस्म करने वाली ऐसी दावानल अग्नि, अगर वायु का उसको संयोग मिलता है तो और अपनी गति को मजबूत करके संपूर्ण संसार को भस्म करने की शक्ति रखता है। परंतु जो भक्त आपके शरण में रहता है, आपकी स्तुति गान करता है, आपकी चरणों का शरण ले लेता है,
वो भक्त संसार के किसी भी अग्नि से वो भयभीत नहीं होता। तेरा ये जो पवित्र नाम है, आपके नामों का स्मरण है, और उसमें ऐसी दावानल अग्नि भी शांत होती है, शांत होने की आपके नाम में कला है, शक्ति है। और लाल नेत्र से क्रोध से भरा हुआ एक जो सर्प होता है, जो फन फुंकार मारने वाला ऐसे मधुल मत अति काला सर्प, मंदो ऐसे जहरीले सर्प के भीतर से भी जहर समाप्त होता है। जहर समाप्त उसके लिए होता है जो आपकी स्तुति करता है। आपके स्तुति करने वाला, आपका स्तुति करने वाला जो भक्त होता है, ऐसा काला सर्प और जहर से भरे हुए सर्प का जहर भी उस भक्त पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता। इसलिए निर्भय होने की कला, निर्भय होने की शक्ति हमें प्रदान कर रहे हैं। और आचार्य मानतुंग हमें बार बार समझाते हैं, और उनके धीरे धीरे जो बातें समक्ष आ रही हैं कि तुम क्या बन जाओ, निर्भय बन जाओ। और निर्भय होने वाला व्यक्ति फिर भयमुक्त हो जाता है। इसे आता है नमो जिनाणम जीए भयाणम, बंधो नमस्कार है उन जिनेन्द्र भगवान को जिन्होंने भय को जीत लिया है, भय पर जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो हम भी कभी कभी बंधो अज्ञात भय हमें भयभीत करता है, हमको खुद को नहीं पता हम किस चीज़ से डर रहे हैं, कौन सा भय हमें भयभीत कर रहा है हमको पता नहीं होता है, परंतु अंदर मन के अंदर एक भय हमारा क्या करता, हमें भयभीत कर रहा होता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि बंधु हमारे अंदर की जो एक असत्य है, हमारे अंदर का जो एक पाप है, वो पाप ही हमारा, पाप का मतलब जो हिंसा है, वही हमें भयभीत कर रहा होता है। तो बंधु इस तरह से आदिनाथ भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ में आराध्य गुरुदेव का त्रिदिवसीय जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोग ने यहाँ पर आज समापन के रूप में, वैसे तो आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव प्रतिदिन ही मनाया जाना चाहिए, और एक दिन जो हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं उस जन्मोत्सव से तो सिर्फ हमने प्रेरणा लेनी होती है। तो आज भी आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर जो विशाल आयम्बिल तप का कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ, और उन लोगों का आज पारने का कार्यक्रम है, और उनका पारना है इसलिए जल्दी छोड़ा जा रहा है। वैसे तो आपने पहले भी कहा था आप लोग का पारना हो चुका होगा, अभी तक इंतजार तो आपने किया नहीं है। पर ये है कि जो इधर पीछे जो व्यवस्था वो बड़ा पारना है, छोटा पारना तो हो गया, घर में जो जो करके आना है आप लोग करके आए हो, और बड़ा पारना अभी होने वाला है, उस बड़े पारने में भी हम ज़्यादा अंतराय आपको नहीं देना चाहते, और इसलिए ज़्यादा लंबा कुछ न कहते हुए आज जिन परिवार ने इस भक्तामर संपुट का लाभ लिया है, श्री पुनीत जैन, महक जैन ये परिवार, और हमारे पंकज भाई आदि सारे यहाँ पर जो उपस्थित हैं, स्वतंत्र कुमार जैन, इस परिवार की ओर से आज का ये जापाभ्यास संपन्न हुआ, और बंधु बड़ी संख्या में दिल्ली में गुरु सुमति विशाल चैरिटेबल ट्रस्ट के वरिष्ठ व्यक्तित्व जन भी आज हमारी इस धर्मसभा में उपस्थित हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री पुनीत जैन और पंकज जैन दोनों आगे आएँ, और आगे आकर के आराध्य आज वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसी तरह से राकेश जैन वो भी आगे आ जाएं, आदित्य जैन, नया कर आ जा दो उसको। बड़े सुंदर रूप में भक्तांबर संपुट का कार्यक्रम आगे चल रहा है। अब वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से हम जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है, प्रभु
शांति गुरुवर प्यारे प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि महाराज सामने अपने लुधियाना चतुर्मास में भव्य आयोजन आईमिल के साथ साथ पूरे देश के 86 संघों में और संगठनों में आईमिल तपस्या और जाप का आयोजन करवाया है। जगह जगह पर हुए हैं, बड़ी संख्या में देश भर में गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाया गया है। उसी श्रृंखला में गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। 3 दिवस का कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव के ऊपर बहुत से जीव दया के काम हुए हुए हैं और पशुओं को गाय छुड़ाने के काम भी हुए हैं और साथ साथ में श्री रजनी जैन परिवार निखिल जैन परिवार की तरफ से काफ़ी 125 पक्षियों को मुक्त करवाने का और जीव दया में विशेष रूप से अनाज भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। श्रीमती उषा विजय कुमार जी अमंज जैन परिवार की तरफ से भी अनेक जो है संख्या में जीव दया का पक्षियों को छुड़ाने का ये कार्यक्रम हुआ है और तरह तरह से जगह जगह अनाथालयों में जा करके वृद्धाश्रमों में जा करके भाई बहनों ने अपने परिवार की तरफ से संगठन की तरफ से आराध्य गुरुदेव के चरणों में वो परोपकार का जीव दया का काम करके उनका ये 86वां जो जन्मोत्सव संपन्न हुआ है इसकी खुशी मनाई है, बधाई दी है उन सभी परिवारों को जिस रूप में भी इसके अंदर जो सम्मिलित हुए हैं सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएँ सद्भावनाएँ देते हैं। और आराध्य गुरुदेव का या 86वां वर्ष संपन्न होने पर और न्यूज मीडिया अखबारों के माध्यम से सोशल मीडिया जैसे फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप के माध्यम से तरह तरह से आदर सत्कार सद्भावना मन के वीडियो और ऑडियो जो है प्रसारित करके देश भर के गुरु भक्त भाई बहनों ने जो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया है उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की है, मंगल बधाइयाँ दी हैं और सुंदर से सुंदर भजनों के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आराध्य गुरुदेव को इस प्रकार जन्म जयंती की बधाई दी है। जो जो परिवार भी सारे देश के अंदर इस कार्य के अंदर जो जुड़े हैं उन सबको भी हम अपनी तरफ से गुरु निहाल परिवार की तरफ से आराध्य गुरुदेव की तरफ से हम सभी साधु साधवियों की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाइयां देते हैं और 3 दिन से गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ के लिए मंगल कामनाएं करते हुए जैन नगर में जो विशेष प्रकार का आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ उसके लिए सभी जैन नगर निवासियों को यहाँ के संघ को यहाँ के सभी संगठनों को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं और गुरुदेव सतायु ऐसी शासनेश प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनका स्वास्थ्य लाभ बने रहे और उनकी छत्र छाया हम सबके ऊपर इसी तरह हमेशा बना रहे ऐसी हार्दिक प्रार्थना हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। आज पारना है और डबल पारना है इसलिए आप लोग जल्दी कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा लंबा कार्यक्रम न करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज के अगर प्रत्याख्यान किसी के हों जैसे आज का एकासना व्यासना और किसी का हो तो आज के एकासना व्यासने का बचखान आज के आंख के मंदारण के अनुसार बचखान बोल सर
आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आज का आयमिल, आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आज के आयमिल का बचाना तस्वंते त्याग बहुत सरे। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो तो सभी तपस्वियों को जिन जिन्होंने तपस्या की है सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं दी जा रही हैं और सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं
चकवर्ती महद्यो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मुणोत्तरम। बड़ी खुशी का प्रसंग है कि आज आराध्य गुरुदेव के इत्री दिवसीय कार्यक्रम के समापन महोत्सव में सुमति विशाल बुक बैंक चेन्नई के गणमान्य अधिकारीगण, सुमति विशाल डायलिसिस सेंटर चेन्नई के जो है प्रमुख अधिकारीगण और सुमति विशाल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के करीबन सभी जो है अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सब ने मिलकर के गुरुदेव को मंगल कामनाएं और बधाइयाँ दी हैं। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ठेठ लुधियाने से विनीत जी जैन पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आशीर्वाद आराध्य गुरुदेव की तरफ से देते हुए उनकी तरफ से ही मंगल पाठ दे रहे हैं। श्री चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साऊ मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साऊ लोगुत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साऊ शरणं पवज्जामि, केवली पुनत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मन।